दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों हम बात कर रहे हैं खंडवा और उसके विकास की। आज़ादी के बाद खंडवा के लोगों को विकास की जो एक नई उम्मीद थी वो इबारत आज तक नहीं लिखी गई। इसकी वजह यह है कि हमारी सरकारों ने अपने किए हुए वादे का 10% हिस्सा भी पूरा नहीं किया। इस बार फिर चुनाव होने जा रहे हैं, दावे और वादे शुरू हो चुके हैं। पार्टियों से यहाँ के लोगों की क्या उम्मीद थी और पिछले वादे में जो किए गए थे कहाँ तक वफा किए गए, आइए डालते एक नज़र। खंडवा मशरकी निमाड़ का एक अहम हिस्सा है। उर्दू जबान और अदब की तारीख के हवाले से जो दस्तावेज मिलती हैं उनकी रोशनी में ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर उर्दू शेर और अदब के हवाले से अहम काम किए गए। खंडवा मरकज अदब बुरहानपुर से बहुत नजदीक है और इसके असरात यहाँ पर रहन सहन के साथ जबान और अदब पर भी मुरतब हुए हैं। निमाड़ में आमतौर से जो जबान बोली जाती है उसे निमाड़ी कहते हैं। ये जबान मालवी, गुजराती, भीली, खानदेशी, मराठी और कदीम उर्दू का मुरक्कब है। इस जबान का चलन शहरों की बनिस्बत गांवों और देहातों में ज्यादा है। निमाड़ में बोली जाने वाली उर्दू जबान पर इलाकाई जबान निमाड़ी के साथ साथ दक्कनी, देहलवी और लखनवी जबान के भी असरात दिखाई देते हैं। निमाड़ में उर्दू जबान और अदब की तरवीज और तरक्की का काम किसी एक अहद में नहीं हुआ बल्कि ये अहद बाहद जारी है। दौरे फारूकिया से दौरे मुगलिया तक और दौरे पेशवा से अंग्रेजी अहद तक निमाड़ में अदब के दो बड़े मरकज खंडवा और बुरहानपुर का नाम नुमाया रहा है। निमाड़ में मुसलमानों की आमद के बाद हर दौर में बाकमाल सूफिया, उलमा, शेरा, ओदबा मौजूद रहे हैं। इनमें वो अहले कलम भी हैं जो खास निमाड़ में पैदा हुए और वो भी जो तलाश माश या दूसरी वजूहात की बिना पर मुल्क के दीगर मकामात से नकल मकानी करके यहाँ आए और यहीं मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली और अपने तख्लीकी शहपारों से निमाड़ के उर्दू अदब को माला माल किया। लेकिन मध्य प्रदेश की तश्कील के बाद खंडवा ही नहीं पूरे निमाड़ में उर्दू जबान और अदब के साथ उर्दू स्कूलों की जानिब से जब हुकूमत ने चश्मपोशी इख्तियार की तो उर्दू जबान के साथ उर्दू स्कूल भी खस्ताहाली का शिकार हो गए। किसी भी मुल्क की तहजीब व माशरत और जबान को फरोग देने में हुकूमतों का बहुत अहम रोल होता है। सियासी पार्टियों ने जबान, कल्चर और रोजगार के नाम पर वोट तो लिए लेकिन इख्तदार में आने के बाद उन्होंने अपने वादों को फरामोश कर दिया। क्या है यहाँ के वोटर्स की शिकायत, आप खुद सुनिए। यहाँ पर हमारे को तो अभी आज तक कोई योजना नहीं प्राप्त हुई। हम तो गए भी लोगों के पास, भाई हमको भी कोई योजना दीजिए, दीजिए ये दीजिए, कोई किसी ने मना कर दिया। सब उन्होंने मतलब गए, हाँ आश्वासन देते हैं, करते कुछ भी नहीं। अब ये देखो बीजेपी गवर्नमेंट थी अभी तक, अब ये बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या करा, कुछ भी नहीं करा। हम जहाँ के वहीं परेशान के परेशान है। बच्चे जाते हैं, स्टूडेंट जाते हैं, उनके कीचड़ों में पाँव भराते हैं, मतलब नालियाँ हैं फूल हो जाती है और भले भाई रोड भी बना हुआ नहीं है पूरा चीफा कॉलोनी के अंदर पर। देखिए आप जाके, और खंभे मतलब जुम्मन नगर के इतना तो खंभे भी नहीं लगे हुए, बिजली तो दूर की बात, खंभे भी नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा था, उसमें एक आवेदन दिया था और उस आवेदन के ऊपर मैंने उनको ये भी बोला था कि मैं आपको ये जो आवेदन दे रहा हूँ इससे मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप इस क्षेत्र के विकास करेंगे और उस विकास के उसमें अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। और मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा करके गए थे कि जितनी भी अनडेवलपमेंट कॉलोनियाँ हैं उन्हें जो है डेवलपमेंट भी किया जाएगा और डाइवर्शन भी किया जाएगा। तो अभी तक तो कोई प्रतिक्रिया यहाँ पर चालू नहीं हुई है और पूरी तरीके जो फैसिलिटी मिलना चाहिए थी, जिस हिसाब से ये कॉलोनी बनी, आज बनने को 36 साल हो गए बसने को, अभी तक इस कॉलोनी के अंदर किसी को भी रहने के हिसाब से कोई विकास के नाम से कोई चीज मुहैया नहीं कराई गई है। हालांकि ये सच है कि मध्य प्रदेश में बुरहानपुर के बाद उर्दू मीडियम के स्कूलों की तादाद सबसे ज्यादा खंडवा में है। खंडवा में उर्दू मीडियम स्कूल जरूर है लेकिन खस्ता हाली का शिकार है। आप स्कूलों की हालत खुद देखिए, क्या किसी महजब समाज में अपने शहरियों की तालीम के लिए यही इंतजाम किया जाता है? लेकिन ये बदनसीबी मुस्लिम समाज के साथ उर्दू मीडियम स्कूलों का मुकद्दर बन चुकी है। यहाँ के लोगों ने अपने मतालबात को लेकर जलसे जुलूस से लेकर धरना और प्रदर्शन सभी किया लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रही। अब जबकि मध्य प्रदेश में असेंबली इंतखाबात का बुगुल बज गया है तो सियासी पार्टियों के सामने ये मतालबात नुमाया तौर पर दिखाई देने लगे हैं।
और अगर इन मतालबात को पूरा करने के लिए बरसर इख्तदार सियासी जमात वोटर्स का एतमाद हासिल नहीं कर सकी तो इलेक्शन में उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है। नेता की बात करें या नेतृत्व की बात करें, एक दमदार नेतृत्व की जरूरत है। एक दमदार नेतृत्व खंडवा में नहीं होने से ये सब चीजें नहीं हो पाई, क्योंकि जब भी हम बात करें विकास के लिए फंड लाने की, चाहे वो सेंट्रल से बात करें, चाहे हम बात करें प्रदेश से बात करें, जब तक हमारा नेतृत्व इतना दमदार नहीं होगा कि हमारी आवाज वहां तक पहुंचा सके और उस चीज को फंड ला सके, तब तक ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ के वोटर्स की नाराजगी सिर्फ बरसरे इख्तदार जमात से है, बल्कि उनकी नाराजगी कांग्रेस से भी है। नाराजगी इस बात की है कि उन्होंने जिन बातों को लेकर कांग्रेस से दूरी इख्तियार की थी, बीजेपी ने भी वही राह इख्तियार की और उसने 10 सालों में ऐसा कोई ठोस काम नहीं किया जिससे निमाड़ी ही नहीं मध्य प्रदेश के मुस्लिम समाज का मेयार जिंदगी बुलंद होता। यहाँ एक बात यह भी है कि मध्य प्रदेश की सियासत में दो पार्टियों का ही सियासी वजूद है, यानी कांग्रेस और बीजेपी। दोनों पार्टियां भी ये बात अच्छी तरह से जानती है और उन्हें ये भी मालूम है कि सूबे में तीसरी जमात का असर न होने से वोटर्स को बीजेपी और कांग्रेस में से एक को चुनना उनकी मजबूरी है। लेकिन इस बार के असेंबली इंतखाबात में यहाँ का वोटर कांग्रेस और बीजेपी से अलग हटकर भी दूसरी पार्टियों में से अच्छे उम्मीदवार को तलाश कर रहा है और वोटर का रुझान बरसर इख्तदार जमात के लिए नेक शगुन नहीं है। देखिए, राजनीतिक पार्टियां, ये जो दोनों पार्टियां हैं, कुछ लोग हिंदुओं को इस्तेमाल करते हैं, कुछ मुस्लिम्स को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बेसिकली व्यक्ति समझदार होता है, वो देखता है कि मुझे कहां पर किसे वोट देना है, कौन सा देश का और हमारा भला कर सकता है। अभी तक कोई तीसरा विकल्प नहीं था जो इन्हें और किसी भी संप्रदाय विशेष को या धर्म निरपेक्षता की बात करे। अब आम आदमी पार्टी आ चुकी है और हम लोग धर्म निरपेक्ष की बात करते हैं और पूर्ण भारत के विकास की बात करते हैं और आम लोगों के विकास की बात करते हैं। इसमें हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है, यहाँ टोटल भारतीयता वाली बात करते हैं हम लोग। और रही बात कांग्रेस की कि कांग्रेस ने मुस्लिमों का यूज किया है, हाँ, तो उसमें तो मेरी रजामंदी होगी कि कहीं ना कहीं यूज हुआ है, 100% यूज हुआ है, वरना आज ये तबका भी बहुत अच्छा हो सकता। दोस्तों, खंडवा पर आधारित हमारा यह खास प्रोग्राम यहीं पर खत्म होता है। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें इस पते पर लिख भेजिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने हमारा पता नोट कर लिया होगा। अगले हफ्ते फिर एक खास एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहताब आलम को दीजिए इजाजत। आदाब। कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा